हमारी हम यूट्यूबर हमारी ऑडियंस की डिसरिस्पेक्ट हुई वहाँ। थ्री मिनट में बिग बार ये क्या होता है, थ्री मिनट के अंदर बिग बार में कैसे स्केल्प करना है, बहुत जल्दी मैं आपको अपडेट करूंगा। कोई भी स्ट्रेटजी पे मैं अगर काम करता हूँ, मैं उस पर किताबों में काम नहीं करता, मैं उस पर हमेशा ट्रेड्स पर काम करता हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राम राम, कैसे हो आप लोग। तो अभी उठ चुका हूँ, टाइम हो चुका है 7, मैंने 7 बजे उठने का टाइम सेट किया हुआ है। अब अभी करते हैं थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश होते हैं, पानी वानी पीना प्रॉपर, एंड उसके बाद अपना नेक्स्ट टास्क। तो अपने हो गया दो, एक लाल गर्म पानी सबसे पहले। तो दोस्तों मैं थोड़ी देर करूँगा अभी मेडिटेशन, मैंने मुँह हाथ धो लिया है और ब्रश व्रश वगैरह सब कर लिया है। मेडिटेशन के बाद फिर हम करेंगे अगला टास्क। तो दोस्तों मेडिटेशन हो गया और मैं अपना ऑलमोस्ट अपना बेड भी सेट कर चुका हूँ। मेरे को रूम अपना क्लीन करना था, लेकिन मेरा जो क्या बोलते हैं वैक्यूम क्लीनर था उसका आगे का वो टूट रखा है, उसको ठीक कराएंगे फिर उसके बाद करेंगे। तो आज मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं था, अभी मॉर्निंग में शाम तक अवेलेबल हो जाएगा हमारी क्या बोलते हैं भगवत गीता, ठीक है। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट अपने लिए करता हूँ रेडी फटाफट से, और मेरी किचन की हालत देखो तुम, ये हालत होती है भैया क्या ही कहें। अब मुझे ऐसा लग रहा है मुझे पहले ही साफ करना पड़ेगा। देखो सेक बनाने के लिए मैं क्या लाया है, क्या होते हैं ग्राइंडर ब्लेंडर जो भी है ले आया, बादाम भी मैंने बिगा रखे हैं। और ये देखो ये क्या है, नेस्कैफे है ना, ये हमने सिर्फ टीवी में वो लड़कियों के हाथ पे देखा था ऐसे ऐसे कॉफी पीती, आज हम भी पियेंगे। तो दोस्तों मैंने बर्तन भी धो दिए, आंटी आई वो जूठे बर्तन देगी अच्छा लगेगा, ऐसे मैंने बर्तन सब धो दिए ना, और मैंने अपनी शेक बनाने की तैयारी कर ली है। बट देखो हमसे ऐसे काम होते हैं, ये बहुत मुश्किल है जिंदगी, कैसे जिएंगे हम। तो मैंने अभी दूध रखा था, मैं बर्तन धो रहा था, दूध कप का नीचे आ गया मुझे पता नहीं चला। मेरा दूध हमसे नहीं आने वाला है काम, मैंने दूध पहली बार गर्म कर गिरा दिया। हम मैं देख रही हो ना तुम मत देखो, हम खुद कर लेंगे, हमें सब खुद कर रहे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, पहले मैं उठाता झाड़ू, ये देखो ये मेरा वो है झुंझुनू है, इससे क्या करेंगे पूरा ये करेंगे क्लीन। पहले साफ सफाई कर देता हूँ, फिर मार्केट भी ओपन होने वाला है, फिर करते हैं ओपन। तो दोस्तों साफ सफाई मैं कर चुका हूँ, लेकिन हमारा फिर भी गंदा ही दिखेगा। तो मार्केट हो चुका है प्री ओपन सेटल्ड, और निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी मुझे सब फ्लैट दिख रहे हैं, फ्लैट फ्लैट फ्लैट, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है, अभी मूवमेंटलेस मार्केट है तो फ्लैट ही चल रहा है सब। तो वेट करेंगे कहाँ को डायरेक्शन में मूवमेंट आता है, तो एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए सब चल रहे हैं। ब्रेकडाउन देता है तो हमें इजी टारगेट नीचे तक के देखने को मिलेंगे, नहीं देता है तो फिर देखी जाएगी। तो मार्केट में मूवमेंट लेस मार्केट है, और दूर तो उस वक्त गर्म था, तो अभी मैं बना के ले आया हूं अपने लिए शेक, देख रहे हो कुछ गाढ़ा है। तो दोस्तों अभी अपना यहाँ पर जस्ट फर्स्ट एड हुआ है, क्योंकि ये हमारा सब साइडवेज चला, तो अपन ने कोई ट्रेड अभी तक किया नहीं। फर्स्ट एड देखो यहाँ पर प्रीमियम के अंदर थोड़ा सा हमारे पास एक बिग बार बना हुआ था, ठीक है। तो इसके देखते हुए इसकी सेकंड कैंडल में एंट्री किया, और सेकंड कैंडल में ही ऑलमोस्ट इधर मेरी एग्जिट हो गया था। मैं इस कैंडल का वेट नहीं किया हूँ, बट अपना टारगेट था लो तक का, बट यहाँ पर डोजी बनने लग गया था तो एग्जिट करके निकल लिया। तो अपना फर्स्ट स्मॉल ट्रेड जो हो चुका है, तो वो हो चुका अराउंड 8,000 का फर्स्ट प्रॉफिट हमारा आ चुका है। सो लेट्स सी, अभी अगर यहाँ से डाउनफॉल देता है तो सही है, देना चाहिए, क्योंकि फिर निफ्टी भी हमारा नीचे वही आ रहा है। तो दोस्तों एक ट्रेड अभी पकड़ा गया है, इसको थोड़ा सा होल्ड करने की प्लानिंग है मेरा, और मैं जो अपना बिग बार पे जो उसको 3 मिनट और शिफ्ट करके मैं उस ट्रेड को उसमें ट्रेड्स को होल्ड करने का जो मैंने किया था, उसमें मेरे काफ़ी अच्छे रिटर्न आए थे। तो आज मैं उस चीज़ को प्लान करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेट्स सी। मेरे पास एक टारगेट है फिर निफ्टी के अंदर कि प्राइस यहाँ कहीं पर उसको उठाया गया था, अगर ये देता है थोड़ा सा हमें डाउन मूव, तो हमें एक एक्सपेक्टेड टारगेट है। फर्स्ट तो अपना ये है, और आई होप यहाँ से पुल बैक ना दे दे एकदम से, और ये डाउन आए नीचे थोड़ा सा, लेकिन लेट्स सी क्या रहता है। और जो अभी अपना जो ट्रेड अपना आ गया है अभी फिर निफ्टी का 20,300 की जो अपने यहाँ पे उठा रखा है पुट ऑप्शन, अभी 50 का राउंड चल रहा है। और अगर अपन इसमें देखें तो थोड़ा सा हुआ है चेंज हमारे पास, क्या है मेरे को ऊपर से कॉल साइड में थोड़ा सा ज़्यादा ही वो दिख रहा है, मार्केट ऊपर से थोड़ा सा नीचे आ सकता है, डाउनफॉल दे सकता है। तो एक कैंडल अगर ये और नीचे आ जाती है शायद तो हमारा प्रीमियम भाग जाएगा। तो हमारा प्रीमियम अभी 151-152 के अराउंड चल रहा है, 62-63,000 के आसपास का कुछ प्रॉफिट चल रहा है। लेट्स सी कहाँ करते हैं हम थोड़ा सा इसकी क्लोजिंग। तो दोस्तों बहुत सर दर्द गया इस ट्रेड ने, मैं ऐसे ट्रेडों में कभी नहीं बैठूंगा, कभी नहीं होल्ड करूंगा, क्या ही कहें। जाना चाहिए था नीचे यहाँ तक का टारगेट, यहाँ तक मैं वापस से होल्ड किया, फिर वापस यहाँ मेरे टारगेट वापस से मेरा फर्स्ट टारगेट जो था वहाँ तक आया, मैं एग्जिट नहीं किया, फिर वापस से यहाँ पे यहाँ से नीचे अब वापस देने लगे, मैं एग्जिट ही रहा क्योंकि ये रेंज बना रहा है, बहुत देर से फंसा था, इतना अपना टाइम नहीं होता किसी ट्रेड को होल्ड करने का, अगर डायरेक्शनल ट्रेड भी अगर मैं लेके चल रहा हूँ। तो अभी जो हम आ चुके हैं फाइनल 60,000 के प्रॉफिट में, ठीक है। और अभी देखते हैं हम कहाँ करते हैं आज का फाइनल क्लोजिंग, और अगर हम इसको ये देखें तो अभी कॉल साइड में मेरे को वह चेंज दिख रहा है, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस अगर आप देखोगे तो चेंज ही नहीं हुआ है, अगर आप पकड़ोगे तो हमें बार बार रिफ्रेश खुद ही हो जाता है, ये आपका किसका है सेंसिबल वाला है,
ठीक है। तो यहाँ पर भी अपने आप ही एक तरीके से वही कॉल साइड में एड ऑन बहुत ज़्यादा होता है, कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट बढ़ना मतलब कॉल साइड में लोग शॉर्ट करके ज़्यादा बैठे क्या होते हैं पुल पुट साइड से ज़्यादा। तो ये भी मेरे को दिखा रहा है कि नीचे आ रहा है लेकिन ये रेंज बना रहा है, तो रेंज में जितना जब बुक कर लिया चुपचाप बुक करके निकल जाओ। हाँ तो दोस्तों अभी यहाँ पर अपना एक वापस से जो वाला सेम ट्रेड पर अपन ट्रेड यहाँ पर चप किए थे एंड वो क्या हुआ थोड़ा सा प्रॉफिट में गया, टारगेट का 1:1 का टारगेट था लेकिन इमीडिएट यहाँ से घूम गया तो यहाँ पर मेरा एसएल चला गया और एसएल ट्रेड है उस पर्टिकुलर ट्रेड में जो अपना एसएल गया था पुट ऑप्शन में तो 52 के अप्रॉक्स का कुछ प्रॉफिट था, वो हमारा 14,000 पर आ गया। तो क्या बोलते हैं जो अपना प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम हो गया। फिर यहीं से इमीडिएट मैं कॉल साइड में ट्रेड बनाया हूँ, तो यहाँ पर एक बिग बार दिखा था और बिग बार अपना एक सेटअप है तो इसको देख के मैं एक ट्रेड लेके गया जिसमें मेरा 3 कैंडल में ही मेरे को मेरा टारगेट आ गया था। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में फिर हमने 34,000 बुक किया तो नेट टू नेट हम वापस 56,000 के प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो 3 ट्रेड अपने और 56,000 के नेट टू नेट वापस से 60 के अप्रॉक्स बुक किया था, तो एक में मेरा लॉस हुआ लेकिन इमीडिएट उसको ट्रेड के साथ मैंने डायरेक्शन पकड़ते हुए ट्रेड में एंट्री बनाई तो जिसकी वजह से मेरे को जो यहाँ से अगर जो लॉस गया था वो मेरा वापस इस साइड में, क्योंकि यहाँ मेरे को एक टैप दिखा था ये नीचे आया ये एकदम इमीडिएट एक कैंडल दे दी तो ये काफ़ी अच्छा एक सेटअप बना था। तो 3 मिनट में है बिग बार, ये क्या होता है 3 मिनट के अंदर बिग बार में कैसे स्कैल्प करना है बहुत जल्दी मैं आपको अपडेट करूँगा। इसमें और इजी आपको और अच्छे टारगेट इसमें आपको पकड़ने को मिलेंगे और छोटा आपका इसमें स्टॉप लॉस हो रहा है। और फिर एक जो स्ट्रेटजी है कैसे आप क्या होते हैं बिग बार में ही पोजिशन क्या होते हैं स्कैल्पर टू डायरेक्शनल कैसे बन सकते हैं, कैसे आप ट्रेड्स को होल्ड कर सकते हैं, वो भी स्ट्रेटजी मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने ट्रेड्स कोई भी स्ट्रेटजी पर मैं अगर काम करता हूँ मैं उस पर किताबों में काम नहीं करता, मैं उस पर हमेशा ट्रेड्स पर काम करता हूँ जिस तरीके से मेरे ट्रेड्स रहते हैं और जिस तरीके का रिटर्न बनता है उस पर मैं आपके साथ वो स्ट्रेटजी फिर शेयर करता हूँ। तो अभी देखते हैं क्या रहता है। तो दोस्तों मार्केट पूरा ऊपर नीचे ट्रैप करके हो गया क्लोज और हम कुछ प्रॉफिट में हैं आज। और अभी मैं पहले खाना खाने का टाइम हो चुका है, खाना मार्केट क्लोज होने के बाद इतना सारा भात। तो दोस्तों अब मेरा हो चुका है सोने का टाइम, अब तुम्हारा भाई जाएगा फर्स्ट क्लास अपना एसी वाले कंपार्टमेंट पर सोने के लिए वापस से इस बिस्तर में। ओ माय गॉड, 1 घंटा सोऊंगा, जिम मारना है कुछ पानी। आज तुम्हारे भाई ने चैलेंज की वजह से सिर्फ इस चैलेंज की वजह से ये मेरा अभी मेरा 3रा बोतल भरा है और 2 गिलास में सुबह पी चुका हूँ, उसके बाद ही मैंने 3रा बोतल भरा है। और अभी मैं जिम में एक बोतल इसको खत्म करूंगा, जिम जाने से पहले जिम में एक बोतल खत्म करूंगा, रात को एक बोतल, मतलब 5 बोतल ऑलमोस्ट ये खत्म हो जाए सिर्फ एक चैलेंज की वजह से, कितना चेंज आता है खुद ही देख लो। तो दोस्तों बैकपैक इज रेडी फॉर द जिम, तुम्हारे भाई ने किया आराम, अब तुम्हारा भाई अगला टास्क कंप्लीट करेगा जो कि है जिम और ये हमें जाएगा छोड़ने क्योंकि हमारे पास गड्डी नहीं है। चलो भाई दोस्तों जिम से आने का तुम्हारे भाई ने नहा धो लिया फर्स्ट क्लास, आज जो लेग की एक्सरसाइज मारी पसीना क्या निकाला आपने देखा होगा। तो अपना एक और टास्क भी हो चुका कंप्लीट, अब अपन ने पी लिया प्रोटीन और नया शेकर और ये अपना प्रोटीन का डिब्बी पाउडर ठीक है, और ये गाय के लिए जो रोटी हमारी बच जाती है वो हम गाय के लिए रख देते हैं है ना, और गाय वाय आती रहती तो उनको मैं खिलाते रहता हूँ रोटी वोटी ये सब। तो अब अपना नेक्स्ट टास्क अपने को रीड करना है फर्स्ट अध्याय प्रथम अध्याय ठीक है, तो उसको हम रीड करेंगे आराम से ऊपर मंदिर के आगे बैठ के। और आज हमारे पास जो है ये वाला है भागवत गीता का छोटा वाला, ये मेरे पास था पहले से, तो मैंने जो कंप्लीट जो ऐसे बुक होती है जिसको प्रॉपर तरीके से रखा जाता है ना, तो वो मैंने मंगाया हुआ है, वो उसमें आई थिंक कल तक आएगा, तो आज इसी से मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ूंगा। पहला अध्याय ओम श्री नमो भागवते वासुदेवाय वासुदेव विश्वेश्वराय आदि पुरुष परम पार अलेख कृषाय नमो देहा जगत बंद ज्योति स्वरूप जिया की जानन हार के। तो दोस्तों अभी हमारा पूरा ऑलमोस्ट सुबह से लेकर शाम तक के सारे टास्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके, बस लास्ट फाइनल टास्क है 11 बजे मैंने सोना है, 11 बजने में भी 10 मिनट है। तो हमने मॉर्निंग में हम टाइम पे उठे और हमारे पास अपने साफ सफाई किया, सिस्टम वगैरह पूरा साफ किया, टैंक पानी पिया, खाया, प्रॉपर अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाया, फिर उसके बाद ट्रेड किया। ट्रेड में हमारे तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन चले आपने देखा हो ठीक है। फिर उसके बाद अपन दिन का खाना खाया, थोड़ा रेस्ट किया, फिर मैं जिम गया, जिम के बाद आने के बाद फिर मैंने नहाया धोया, फिर मैंने अपना शेक बनाया, प्रोटीन पिया एंड देन वापस से अपन ने शाम को गीता का प्रथम अध्याय पढ़ा एंड उसके बाद फिर खाना खाया एंड देन अभी मेरा सोने का टाइम हो चुका है ठीक है। और रही बात आज का ठीक है, जो प्रॉफिट था इट्स ओके एंड आई होप आप सभी ने मेरा कल का एक रील देखा होगा। तो मैं एक चीज़ उसमें आपको कहना चाह रहा हूँ ठीक है, कि ये जो उसमें बात बोली गई थी, हम यूट्यूबर है सारे के सारे
ठीक है, हम यूट्यूब में आप लोग हमें देख रहे हो है ना, और उसमें एक बात क्या बोलते हैं बिग बॉस में सलमान सिंह ने ये चीज़ गलत, सब कुछ ठीक है, आप उसको डांटिए भटकारी ये मत कहिए ना कि आपकी ऑडियंस आपको फ्री में देखती है, उनसे 500 रुपये मांग के देखो, देखते कितने ऑडियंस रहती है। इसका मतलब क्या, हम बिजनेस बनाने के लिए बैठे क्या? हमारा यूट्यूब हमें, हम छोटे लोग हैं, हम क्या बोलते हैं अपना कुछ कंटेंट आपको डिलीवर करना चाह रहे हैं जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है। अगर हम कोई चीज़ आपको दे रहे हैं है ना, हम आपको कोई भी कंटेंट दे रहे हैं और उससे आपको कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन मिल रहा है, कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, हर यूट्यूबर का लगा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब आपको अच्छा लग रहा है, आप उसमें क्या बोलते हैं हमारे साथ बने हुए, ताकि आपको देखने में मजा आ रहा है, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, तभी तो आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, हमें फॉलो करते हो, ठीक है। तो हमारी, हम यूट्यूबर, हमारी ऑडियंस की डिसरिस्पेक्ट हुई वहाँ की, कितने फॉलो करते हैं हम भी देखते हैं, इसका मतलब क्या कि हम यहाँ पर मूवी निकाले, हमारे पास इतना पैसा, हम मूवी निकाले और आप लोगों से हज़ार मांगे फिर तुम आओ, ऐसे क्यों यार? हर कोई अफोर्ड कर सकता है क्या? जो अफोर्ड कर सकता है हाँ, हम उसको सिखाते हैं अपना, जैसे कोर्सेज चलते हैं बहुत सारी चीज़, जो अफोर्ड कर सकता है 1000 रुपये में आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो नहीं कर सकता भाई हमारे कंटेंट से सीख रहा है ना, उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, तो इसमें पैसे वाली कहाँ बात आ गई कि पैसा लेके देखो कितना आते, क्यों आएंगे हम, क्यों लेंगे भाई पैसा है ना। उनने जो बात की थी, देखते 500 रुपये आपको, मैं भी जैसे मेरा भी एक तरीके से मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ भाई को है ना, आयुष यादव को, और हम क्या बोलते हैं हिंदू धर्म से तो अपना भाई है, ठीक है। तो उससे उस पर एक पॉइंट आउट किया गया था कि देखते हैं तो तुम 500 रुपये मांगो और तुम्हें कितने वो करते हैं है ना, 500 रुपये के जो जितना मांगते हैं हम यहाँ से, हम डोनेशन डालते, लेकिन वो खुद ही कह रहे कि आप अपने एंड पे इस बात को बाइकआउट करने के लिए आप अपने एंड पे कोई भी डोनेशन कर सकते हो। तो जो आज का मेरा प्रॉफिट था जस्ट फॉर माय ऑडियंस, जो हमें देख रही है, जो मुझे देख रही है, उनके लिए, उनकी रिस्पेक्ट के लिए जो अमाउंट है आज का मेरा प्रॉफिट, आई एम गोइंग टू डोनेट दिस अमाउंट। और कहाँ पर हम करेंगे या आप मेरे को कमेंट करके बताना हम कहाँ पर कर सकते हैं, फाउंडेशन को नहीं, आयुष यादव फाउंडेशन को नहीं, उनका चल रहा है ठीक है, लेकिन हम इसको टू सपोर्ट, टू रिस्पेक्ट अवर ऑडियंस की, हाँ हमारी ऑडियंस ये वाली नहीं है कि यार फ्री में है करके उसकी इंसल्ट मत करो, हमारी ऑडियंस की बेइज्जती मत करो, बहुत बुरा लगता है ठीक है। तो इसीलिए ये जो अमाउंट है मैं ये आप सभी के बेसिस पर, आप सभी की रिस्पेक्ट मैं इसको डोनेट करना चाह रहा हूँ ठीक है, क्योंकि अपने को चीज़ हर्ट हुई, उनने जो जिसको बोला जैसे बोला, सामने वाला आयुष यादव क्या कर रहा क्या नहीं ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन जो लास्ट में लाइन बोली गई थी कि 500 रुपये मांग के देखो कितनी तुम्हारी ऑडियंस आती है, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या पर्सपेक्टिव है भैया? तुम मूवी बनाओ ना सर ना पाओ, मूवी बनाओ तुम अपनी है ना, लोगों को दिखाओ आज की भाई, क्या उससे हो रहा है ना, 1000 रुपये देख के अपना बस थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए आता है, लेकिन हमारे को रोज जनता देख रही है, रोज व्यूअर अपने टाइम दे के देख रहे हैं है ना, इसलिए देख रहा है कि यार उससे उनको कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिल रहा होगा हमसे, इसलिए तो देख रहा है ना, या उनको अच्छा ही लगा होगा या उनके अंदर थोड़ा सा रिलैक्स मिल रहा होगा, या कुछ ना कुछ हम ट्राई करते हैं ना अपने ऑडियंस के लिए, और उसके लिए उनको पे करना नहीं पड़ा, उन्हें अच्छा लग रहा है, वो फॉलो कर रहा है और हमें देख रहा है, इसका मतलब उसकी वैल्यू है हमारी लाइफ, उसकी रिस्पेक्ट है। तो ऐसे हमारी यूट्यूबर्स की ऑडियंस को डिसरिस्पेक्ट करने का कोई हक नहीं है, आप बॉलीवुड करो, बॉलीवुड में कमाओ खाओ पियो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारी ऑडियंस को डिसरिस्पेक्टफुल नहीं करना। तो आप सभी के को रिस्पेक्ट देने के लिए ये जो अमाउंट है ये मैं डोनेट करने वाला हूँ, इसको हम प्लान करेंगे कैसे कर सकते हैं या कहाँ करें ठीक है, तो इसका अपडेट आपको जल्दी मिल जाएगा। बाकी भाई यही था अपना आज का, और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग है ना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बाकी तो आप कर ही देते हो, अपने को बोलने का जरूरत नहीं पड़ता, बाकी अपन ब्लॉगिंग कंटिन्यू ऐसे ही करते रहेंगे और ऐसे हमारा 30 डेज चैलेंज चलता रहेगा। बाकी सब साइड में ट्रेडिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं मैं सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप जिसको सीखना है आप ज्वाइन कीजिए, सीखिए है ना। बाकी 500 के सब्सक्राइबर पहुँचा दीजिए, एक और नया चैनल ओपन करेंगे जिस पर हम प्योर क्या होता है एक सेटअप पर बैठ के, सिस्टम पर बैठ के आपको चीज़ें वहाँ पर एजुकेशनल कंटेंट वहाँ पर आपके लिए आ जाएगा ठीक है। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, अगला दिन का चैलेंज हमारा कल ये मंथ भर चलेगा, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।